हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज डे 3 है हैदराबाद टू पटना का, और ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट डे है जिसमें अभी हम लोग वेस्ट बंगाल से स्टार्ट किए हैं और जमशेदपुर होते हुए हम लोग वापस पटना पहुंच जाएंगे। और इस साइड तो फॉग लगता नहीं है, इसीलिए हम लोग सुबह ही में स्टार्ट कर लिए हैं। अभी 5 o'clock हो रहा था, और सुबह निकलने का ये फ़ायदा है कि आप लोग ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे, स्पेशली अगर आप लोग सिटी साइड से निकल रहे हो तो, क्योंकि एक बार सवेरा हो जाता है तो सिटीज़ पे लोग दिखने लगते हैं। और बगल से ट्रेन जा रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने ये सब रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाने का सोचा। मेन इंटेंशन यही है कि आप लोग घर बैठे बैठे एक रोड ट्रिप का मज़ा ले सको। और यहाँ पे हम लोग कुछ अपने गाड़ी पे फोटोशूट टाइप कराए थे, तो मैंने उसे यहाँ ऐड कर दिया है। ऐसे गाड़ी का भी एक पेज है, उसका हैंडल मैं डाल दूंगा वीडियो में, आप लोग देख लेना, फॉलो करना। उस पर भी सारी राइड्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है, अगर किसी के पास नेक्सॉन हो तो वो लोग उससे जुड़ सकते हैं। टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन करके इंस्टाग्राम पे पेज है गाड़ी का, जिसपे जो भी इस गाड़ी में इश्यूज आते हैं या फिर कुछ भी इससे रिलेटेड फोटोज वीडियोज पर डालते रहता हूँ रेगुलरली। और रोड्स काफ़ी अच्छे थे, लोकेशन सेट करके मैं अपना कारप्ले यूज़ करते हुए काफ़ी आसानी से आ रहा था। और झारखंड पहुंचते ही घाटी दिखना शुरू हो गया था, घाटी में गाड़ी चलाने के अलग ही मजा होता है, अगर कोई चलाया होगा तो रिलेट कर। और अभी देख सकते हो आप लोग झारखंड पे हो गए, और यहाँ पे टोल है, और टोल्स पे बहुत सारी चीज़ें हर जगह कॉमन होती है, लंबी लाइन्स और कुछ लोग अनवांटेड लोग जो आप लोगों को रुकवाने लगते हैं, काफ़ी इरिटेटिंग है सब, बट क्या किया जा सकता है। और अब हम लोग एक 4 lane छोड़ के एक पतले से रास्ते पे आ गए थे, ये झारखंड में जमशेदपुर के बाद हम लोग रांची जाने के बजाय रांची से पहले ही टर्न ले लिए थे, और इस रास्ते से हम लोग सीधे रजरप्पा के पास निकले थे रामगढ़ में। और उसके बाद फिर से हम लोग 4 lane पकड़ लिए थे, और डैश कैम भी चल रहा था मेरा, मैं बराबर चेक करते रहता हूँ लाइक कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। काफ़ी अच्छा होता है डैश कैम, लाइक अपने आप डिलीट कर देता है वीडियोस अगर फुल हो गए बाय मिस्टेक। ऐसे 2-3 दिन तक का तो वीडियो रह गया था, इतने लंबे ट्रिप पे दिन दिन भर गाड़ी चल रहा था। और देख सकते हो आप लोग घाटियों, 2 पहाड़ को बीच से काट के बनाया गया है, ये काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है इस तरह के रोडों पर चलने में। और झारखंड में भी ज़्यादा ठंड नहीं था इन कंपेयर टू बिहार, क्योंकि मैं तो बिहार से ही आया था, ट्रिप स्टार्ट किया था मैंने, बिहार में ही रहता हूँ पटना में। झारखंड में भी गर्मी टाइप फील हो रहा था दोपहर के टाइम पे स्पेशली। और रोड सारे बहुत अच्छे कंडीशन में थे, जैसा कि आप देख सकते हो पटना का बोर्ड दिखने लगा है।
और लगता है टोटल टोल 2500 के आसपास लगा है इस बार, क्योंकि रास्ता भी काफ़ी लंबा चुना हम लोगों ने। जाते वक्त हम लोग 1500 किलोमीटर्स में हैदराबाद पहुंच गए थे, बट लौटते टाइम इट वाज लाइक 2000 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है गाड़ी, क्योंकि हम लोग सोचे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर को कवर करते हैं जितना हो सके। तो इस प्रोसेस में हम लोग विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, फिर भुवनेश्वर से हम लोग झारखंड में एंटर किए, वेस्ट बंगाल को टच करते हुए, और उसके बाद बिहार आए हैं। और अब हम लोग फाइनली बिहार में एंटर कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो बोर्ड्स पर पट्टा दिखने लगा है। रात हो गया था हम लोग को आते आते, 7 बज गया था। और बिहार में तो आप लोग जब भी कहीं से आओगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही जाम में फंस गए हो, स्पेशली अगर आप बख्तियारपुर साइड से वाले टोल पास आए हो तो। और हम लोग भी बहुत गद्दा जाम में वहाँ फंस गए थे। और ये मेरे पेटीएम वॉलेट का स्क्रीन रिकॉर्ड है, अगर किसी को रिलेट करना हो कि कहाँ पे कितना टोल लगा हो, तो नियर अबाउट सिर्फ लौटने में 2500 का टोल लगा है,